सो नेक्स्ट इज तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि. सो दिस पर्सन ओके व्हाट वी तीर्थ वी सी न तीर्थ स्थान है. व्हाट वाज शिरडी बिफोर साई बाबा केम? Nothing. It was a small village. It may still be a small village, but it is a Tirtha Sthala. Why? Because Baba kept his foot there. Sai Baba wahan pahunch gaye. Bhakt jahan pahunch jate wahi pe Tirath. Doesn't matter which place it is. The Tirtha Sthana is because a Bhakta has reached there, because a devotee of the highest level has reached there, it became a devotional place. It wasn't designated. यहां ना तीर्थ स्थान है फिर साई बाबा आएंगे. नो वो स्थान पे जब साई बाबा गए तो वो तीर्थ स्थल हो गया. सेम फॉर एवरीवेयर. सो वेर एवर अ भक्त इज वहीं पे तीर्थ हो जाएगा. सो द एंटायर थिंग ऑफ तीर्थ इज वेर एवर तीर्थ स्थान इज जहां पे भी भक्त लोग जमा हो गए वो तीर्थ स्थान वो आश्रम हो गया. फिनिश राइट नाउ और आश्रम इज ऑन जूम विच इज फाइन. जहां जहां भी आश्रम है ठीक है. आश्रम बना तो क्या फर्क पड़ता है वेदर इट्स ऑन एयर और वेदर इट्स ऑन दिस लैंड और इट्स इन अ रूम और इट्स इन अ व्हाटएवर इट डजंट मैटर. आश्रम इज आश्रम ठीक है. सो दैट इज अ तीर्थ स्थान. जहां भी वो जाएंगे वो तीर्थ स्थान बना देंगे. नेक्स्ट इज दे विल ऑल्सो सुकर्मी कुर्वंती. हर कर्म को वो प्यूरिफाई कर देंगे. As soon as they do some work, that work gets purified. It is not that the work was pure and they did it. No, whatever work they did got purified. That is a bhakta. Okay, that is the meaning. Then sukarmi kurvanti karmani satshastri kurvanti shastrani. Shastra by itself has no meaning. They are only words. उसको शास्त्र को शास्त्र बनाने के लिए भक्त और तीन लोग चाहिए. यू नीड द मास्टर्स. व्हेन दे कम द शास्त्रस गेट अ मीनिंग बिकॉज व्हेन यू लुक एट देम यू विल नो व्हाट द शास्त्रस आर स्पीकिंग. देयर इज नो अदर वे टू अंडरस्टैंड. देयर इज नो एक्सपीरियंस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द शास्त्र. वी कैन गेट द वर्ड्स एंड वी कैन गेट द मीनिंग. लाइक राइट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम. We know the all the synonyms and kya paryavachi whatever shabda hindi whatever you know all those things. आप लोग को पता है प्रेम का एग्जैक्ट क्या है? इंग्लिश का ट्रांसलेशन गूगल गूगल में सब लैंग्वेज का ट्रांसलेशन मिल जाए. ठीक है स्नेह whatever I don't know what and all. So प्रेम मिल गया. प्रेम का क्या करेंगे? कुछ समझा? Suppose you don't know, okay? You have never experienced it and nobody said that what you experienced equals to प्रेम. How do you connect the two? Now you got angry, but there is no word called anger. How do you know that what you did was anger? Think of these things. Har ek shabd ke piche kuch joda hai. Like if I get angry, somebody says this experience what you had is called anger. Okay, so each time I get it, I know अच्छा ये गुस्सा था. वैसे ही हम लोग को प्रेम भी समझा, but as such प्रेम word ऐसे फेंक दिया तो उसमें कुछ meaning नहीं. अनुभव के साथ शब्द जोड़ेंगे तभी उसमें मीनिंग आएगा. शास्त्र इज द सेम. शास्त्र एज इट इज हम लोग लेके चल सकते हैं विद द मीनिंग्स विद द पर्पोर्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन उसको जब तक एक्सपीरियंस के साथ नहीं जोड़ेंगे वो कंप्लीट नहीं होएगा. सो दीज भक्तास विल मेक द शास्त्रास आल्सो अलाइव. दे विल बी वॉकिंग टॉकिंग शास्त्रास बिकॉज उनको देख के शास्त्र का जो वर्ड्स है वो क्लिक होता है. You feel the love, maybe you feel something and you feel, okay, now we understand. Because there is a feeling of, you know, adjustment or aapas mein. Kuch wahan se yahan aa raha hai, yahan se wahan ja raha hai. Wo transition jo hai, ya transaction jo hai, uske saath wo shabd ka arth samajh mein aa raha hai. Not shabd artha, shabd anubhav ke saath. Theek hai? So that's the meaning.